हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नाजी किचन। आज हम बनाएंगे चाइना ग्रास, जिसको अगर अगर भी बोलते हैं, केसर पुटिंग। ये दूध है, करीब 2 लीटर दूध, अमूल गोल्ड प्योर फैट वाला दूध लीजिए। इसको जला के बिल्कुल पका दीजिए, करीब 1.5 लीटर दूर हो जाना चाहिए। देखिए बिल्कुल जला दिया है मैंने। 300 ग्राम चीनी है, 4 बड़े चम्मच। ये है चाइना ग्रास, इसको अगर अगर भी बोलते हैं। मॉल्स में मिल जाते हैं ये आसानी से, बड़े शहरों में मिलते हैं वैसे तो। चाइना ग्रास के नाम से बोलते हैं इसको। 1 लीटर में 1 पैकेट जाता है ये। येलो कलर, आप ज़ाफ़रान या केसर भी डाल सकते हैं। इलायची पाउडर है 1 चम्मच, 1 टीस्पून। बादाम है 1 बड़ा चम्मच चॉप। दूध को पहले खूब गाढ़ा कर लीजिए, 2 लीटर दूध को करीब 1.5 लीटर हो जाए इतना गाढ़ा करिए। अब इसमें चीनी ऐड करेंगे हम, 4 चम्मच। ये ऐसा चम्मच लें आप, स्पून बड़ा, और उसके हिसाब से 4 स्पून डाल दें। 1 लीटर में 2 पड़ता है। 300 ग्राम चीनी है करीब। अब इसमें येलो लेमन कलर है ये, आप केसर ज़ाफ़रान कुछ भी डाल सकते हैं, कलर देना है बस इसको। तो 1/2 टीस्पून बना लिया मैंने लेमन कलर, लेमन येलो कलर। इसको गैस पे दूध को धीमी आंच पे चीनी के पकने तक पकाएंगे, जब तक हम ये चाइना ग्रास, जो अगर अगर का पैकेट है 2 पैकेट, इसको हम अलग से डिसॉल्व करेंगे पानी में। धीमी आंच पे इसको पकाना है ताकि मेल्ट होके पतला लिक्विड हो जाइए। 1 पैकेट डाला मैंने, देखिए 2 पैकेट, 2 लीटर में 2 पैकेट लें आप। इसमें करीब 3 कप पानी डालेंगे, नॉर्मल पानी है ठंडा। तीन कप पानी लें। अब इसको धीमी आंच पे हम पकाएंगे, आंच धीमी रखिए ताकि मिक्सचर बिल्कुल लिक्विड हो जाए, जो घास है ये दिखाई ना दे। देखिए हो गया बिल्कुल। वापस दूध को हम इसके अंदर, ये ग्रास को हम ऐड करेंगे। घास बिल्कुल वो हो गई, पतला लिक्विड बन गया। अब इसको ऐड करके 10 से 15 मिनट तक दूध में पकाएंगे, फिर उतार के इलायची पाउडर इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब ब्लेंडर से इसको हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो बाउल में भी कर सकते हैं इसको अलग अलग। बादाम ऐसे डालें आप चॉप किए हुए 1 बड़ा चम्मच। तुरंत ही इसको हमको रूम टेम्परेचर पे बाहर जमाना है, बिल्कुल जब जम जाए तब हमको इसको फ्रीज़र में डाल देनी है। डीप फ्रीज़र में नहीं डालना, फ्रीज़र में डालना है ताकि ठंडा होके, ठंडा ही अच्छा लगता है। सारे मैंने डाल दिए इसमें, जम गया बाहर रूम टेम्परेचर में ही, मतलब बाहर किचन में ही आप जमाइए इसको। जमने के बाद इसको फ्रिज में डालिए, देखिए जम गया, ये जम गया है। अब इसको आप काट के निकाल सकते हैं, चाहे तो अलग अलग बाउल में भी जमा सकते हैं आप इसको, अलग कलर भी दे सकते हैं। देखिए पीस निकल गए, ये अभी तैयार है।